मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर समय में, जहाँ पे इंसानों ने जेनेटिक सीक्वेंसिंग और डीएनए को चेंज करने की टेक्निक हासिल कर ली है, जहाँ पेरेंट्स बच्चों के डीएनए और जीन्स चेंज कर सकते हैं जब वो पेट में ही रहते हैं तब, जिससे काफी बच्चे स्मार्ट और होशियार बनेंगे और अलग अलग डिजीज जो उन्हें फ्यूचर में होने वाला है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, वो भी मिटा सकते हैं इस टेक्निक के जरिए। और इसी कारण से इंसान काफी हेल्दी और एक क्वालिटी लाइफ जी रहा है, वो काफी स्मार्ट बन गए हैं और उन्हें समाज में एक सुपीरियर और फर्स्ट क्लास का दर्जा दिया गया है। तो भाई कुछ पेरेंट्स थे जो अपने बच्चों को नेचुरली पैदा कर रहे थे बिना किसी मॉडिफिकेशन के, और इन नेचुरली बच्चों को समाज में सेकंड क्लास दर्जा दिया गया था और इन्हें समाज में इतनी अच्छी जगह नहीं मिलती थी क्योंकि वो नॉर्मली पैदा हुए लोग थे, उनमें अभी भी अलग अलग बीमारियां थी। हम जर्मी को देखते हैं जो गैटेका नाम के स्पेस एजेंसी में मिशन नेविगेटर था, जहाँ पे ऑफिस में जाने से पहले उसका काफी अजीब सा रूटीन रहता था, जहाँ पे वो हमेशा एक यूरिन पैक लेकर अपने पैर से बांधता था, फिर एक फेक फिंगरप्रिंट के लेयर में खून लगा के वो अपने हाथ में चिपकाता था, और इन सब के बाद वो अपने ऑफिस पहुँचता था। फिर ऑफिस से घर आने से पहले भी वो हमेशा अपना कीबोर्ड साफ करता था ताकि कोई भी बाल या डेड स्किन किसी को ना मिले। एक दिन उसका बॉस जोसेफ आता है और वो उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में टाइटन पर एक फ्लाइट जाने वाली है और जर्मी उसमें फ्लाइट नेविगेटर रहेगा, जिसके चलते उसे कुछ मेडिकल टेस्ट भी देने पड़ेंगे। अब बॉस निकलने के बाद जर्मी कीबोर्ड पर कुछ डेड स्किन के सब्सटेंस डाल देता है और कुछ बाल अपने कंघी में डालता है, क्लिनिक निकल जाता है, जहाँ पे वो डॉक्टर लेमोर से मिलता है। डॉक्टर लेमोर उसे बोलते हैं कि मेरा बेटा तुम्हें आइडलाइज करता है, तुम्हारी हमेशा तारीफ करता है। दोनों में बातचीत होती है और वो डॉक्टर को यूरिन सैंपल मांगता है जो उसने अपने पैर में लगाए हुए बैग से वो है। अब रिजल्ट में यही आता है कि जर्मी वैलिड इंडिविजुअल है, यानी सुपीरियर क्लास का आदमी। अब इसके बाद ऑफिस में हम आइरीन को देखते हैं जो जर्मी की कलीग होती है, वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके नए मिशन के लिए। अब दोनों के बातचीत होने के बाद वो वापस अपने डेस्क पे जाता है, तब पता चलता है कि ऑफिस का जो मैनेजर है उसका बेरहमी से मर्डर हुआ है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और वे लोग क्राइम सीन के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने लगते हैं, और तभी जर्मी के सामने उसकी पूरी जिंदगी गुजरती है और हम उसका अतीत देखने लगते हैं। जर्मी के माता पिता ने नेचुरल प्रोसेस से जर्मी को जन्म दिया था, इसी का मतलब ये है कि जर्मी सेकंड क्लास सिटीजन पैदा हुआ था, और टेस्टिंग से उन्हें पता चलता है कि जर्मी को बहुत ही जल्दी हार्ट की बीमारी होने वाली है और वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 30 साल तक जिंदा रह सकता है। अब ये सुन के वो बहुत ही निराश होते हैं। वो अपने इस नए बच्चे का नाम विंसेंट रखते हैं, यानी जिसे अब तक हम जर्मी समझ रहे थे उसका असली नाम विंसेंट था। विंसेंट के माता पिता उससे काफी निराश करते थे और कुछ समय के बाद ही वो दूसरे बेबी का प्लान करते हैं, लेकिन वो इस बार डीएनए जेनेटिकली मॉडिफाई करने का सोचते हैं। डॉक्टर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि उनके होने वाले बच्चे को जेनेटिक डिजीज जैसे कि हार्ट बीमारी या फिर डायबिटीज ये नहीं होंगी, और तो और उसने कुछ ऐसे भी जीन्स निकाले हैं जिसके कारण बड़े होने के बाद उनका ये बच्चा टकला नहीं होगा या फिर आगे जाके शराब नहीं पिएगा या मोटा भी नहीं हो सकता। बेसिकली डॉक्टर ने ऐसे इसके लिए किया है क्योंकि वो खुद टकला था, यानी वो बच्चा काफी हेल्दी पैदा होगा और उन्हें जल्दी सेकेंड बेबी हो जाता है जिसका नाम था एंटोन। और उसका डीएनए अल्टर करने के कारण एंटोन विंसेंट से भी छोटा होने के बावजूद वो विंसेंट से ज्यादा फास्ट और स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा था। पेरेंट्स भी एंटोन को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए विंसेंट अपने माता पिता और एंटोन से गुस्सा होने लगता है। विंसेंट को बचपन से ही स्पेस ट्रैवल में दिलचस्पी थी और उसे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन उसके माता पिता एस्ट्रोनॉट बनने से उसे मना करते हैं ये जानकर कि वो 30 साल में ही मारा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद विंसेंट एस्ट्रोनॉट की परीक्षा देने जाता है और उसके सेकंड क्लास सिटीजन होने के कारण वो बेचारा फेल हो जाता है और उसकी फैमिली भी उसे डिस्करेज करती है, जिसके चलते वो अपने फैमिली पर गुस्सा और उनसे दूरी बना के रखता है। एक दिन ऐसे ही दोनों भी भाई स्विमिंग की रेस लगाते हैं। एंटोन अक्सर ऐसे रेस में जीतता था, लेकिन इस बार विंसेंट ने ठान लिया था कि जिंदगी हमेशा उसे ठुकरा नहीं सकती और इसी जिद से वो स्विम करने लगता है और जल्द ही विंसेंट एंटोन से आगे चला जाता है। अब यहाँ पे काफी देर तक स्विम करने के कारण एंटोन थक जाता है और वो पानी में डूबने लगता है। तभी विंसेंट जो आगे गया था वो पीछे आके अपने भाई को बचाता है। विंसेंट इस रेस में जीत गया था, ये एक ऐसा पल था उसके जिंदगी के लिए, अगर उसने कोई चीज ठान ली तो वो करके रह सकता है। एंटोन को सब लोग सुपीरियर
कहते थे, उसके बावजूद विंसेंट इस रेस में जीत गया था और उसे आशा की एक नई किरण मिलती है। और इसीलिए एक दिन विंसेंट अपने फैमिली को छोड़ के चला जाता है और गैटेका में काम करना उसका सपना होता है, इसीलिए स्टार्टिंग में वो वहाँ पर एज अ जेनेटर काम करता है। लेकिन उसे कुछ और बनना था, इसीलिए ऑफिस छूटने के बाद वो अक्सर कंप्यूटर में बैठकर नेविगेटिंग ऑफिसर बनने की डॉक्यूमेंट्स पढ़ा करता था, उसकी ट्रेनिंग लेता है और इसी तरह उसे नेविगेशन का एक बेसिक नॉलेज मिल जाता है। इसी दरमियान वो एक आदमी के कॉन्टेक्ट में आता है जो उसके लिए एक फेक आइडेंटिटी बना के देगा, यानी वो एक फेक आइडेंटिटी बना के उसे एक सुपीरियर इंसान की पहचान देगा। और वो सुपीरियर इंसान जिसकी वो पहचान उसे देने वाला था, उस इंसान का नाम था जेरेमी मैरो, जिसका हाई आईक्यू था और दिखने के लिए वो काफी स्मार्ट था और उसमें सुपीरियर स्ट्रेंथ थी, फर्स्ट क्लास सिटीजन था। लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण वो अब चल नहीं सकता था और इसीलिए उसे काम से निकाल दिया था, यानी इस समाज ने उसे ठुकरा दिया था। और इसीलिए जेरेमी को अपनी पहचान बेचनी थी और उसकी पहचान विंसेंट खरीद लेता है, यानी अब विंसेंट जेरेमी मैरो एक सुपीरियर इंसान बनकर गैटेका में काम कर सकता था और उसके बदले में वो हर एक महीने जेरेमी को कुछ पैसे देगा। अब उसकी पहचान बदलने के प्रोसेस में विंसेंट को हमेशा कॉन्टैक्ट लेंसेस पहनने पड़ेंगे क्योंकि जेरेमी के आंखों का कलर अलग था। विंसेंट अपनी हेयर स्टाइल भी बिल्कुल जेरेमी की तरह करता है और तो और उसके पैर लंबे करने की एक सर्जरी भी होती है और अब विंसेंट काफी हद तक जेरेमी की तरह दिखने लगता है। और फिर एक दिन विंसेंट गैटेका स्पेस एजेंसी में जाके अप्लाई करता है और टेस्टिंग के दौरान वो जेरेमी का ब्लड सैंपल देता है, जिसके चलते वो टेस्ट पास करता है और नेविगेटिंग ऑफिसर बनता है। और इसी कारण से विंसेंट का एक अजीब रूटीन था जहाँ पे वो उठने के बाद एवरी डे क्लीन शेव करता था और उसके बाद अपने शरीर से डेड स्किन निकालता था। अब यही सब उसके सामने रोल आउट होता है और वो अचानक से पुलिस को देखता है और पुलिस आके हर जगह डीएनए स्कैन करने लगती है ताकि कोई सबूत मिले और उन्हें विंसेंट का एक बाल मिल जाता है। विंसेंट इस बात से अनजान, उसे पता था कि वो कैसे भी पकड़ा नहीं जाएगा और तो और वो जल्द ही टाइटन के लिए रवाना होने वाला था। इसी दरमियान आइरीन को भी विंसेंट का बर्ताव अजीब लगता है, इसीलिए वो एक दिन उसके बैग से कॉम निकालती है और उस पर लगे हुए बाल की टेस्टिंग करती है। लेकिन विंसेंट भी काफी होशियार था, उसने ऑलरेडी वहां पे जेरेमी का ही बाल रखा हुआ था, इसीलिए आइरीन को भी टेस्ट में जेरेमी का ही रिकॉर्ड आता है। यहाँ पे विंसेंट एंड जेरेमी काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन दोनों भी पार्टी करने के लिए जाते हैं और घर आने के बाद जेरेमी कन्फेस करता है कि उस रात उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो जानबूझ के चलते हुए कार के सामने आ गया था मरने के लिए, क्योंकि भले उसे एक अच्छी जिंदगी मिली है लेकिन इस जिंदगी में कुछ तो कमी थी जिसके चलते उसे जीना नहीं था। विंसेंट ये सुन के काफी हैरान होता है। तो यहाँ दूसरी जगह पे इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा था तब उस बाल के जरिए उन्हें पता चलता है कि विंसेंट नाम का आदमी जो कि इनवैलिड है, सेकंड क्लास सिटीजन है, वो यहाँ पे काम करता है, जो कि सालों पहले यही पे जेनेटर का काम किया करता था। इसीलिए अब पुलिस ऑफिसर विंसेंट के पीछे लग जाते हैं ढूंढने के लिए। इसी दरमियान विंसेंट और आइरीन दोनों ऑफिस में मिलते हैं और वो विंसेंट को बताती है कि एक दिन उसने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था और वो उससे माफी मांगती है। आगे वो बताती कि उसके जीन्स भी पेरेंट्स ने बदलवा दिए थे लेकिन इसके बावजूद उसे हार्ट अटैक की काफी ज्यादा रिस्क है जिसके चलते वो कभी भी स्पेस मिशन में जा नहीं सकती। उसके बाद दोनों भी डेट पे जाते हैं और आते समय एक चेक पॉइंट आता है जहाँ पे पुलिस लोगों की आंखें चेक कर रहे थे कि किसी ने कॉन्टैक्ट लेंसेस तो नहीं पहने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। अब ये देख विंसेंट समझ जाता है और वो अपने कॉन्टैक्ट लेंसेस निकाल देता है। पुलिस उसे चेक करती है और कॉन्टैक्ट लेंसेस ना होने के कारण विदाउट एनी सस्पिशियस दोनों भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन विंसेंट को चश्मा था इसीलिए अब उसे धुंधला दिखने लगता है। इसी दरमियान आइरीन विंसेंट को एक जगह दिखाने के लिए लेके जाती है लेकिन विंसेंट को धुंधला दिखने के कारण वो काफी मुश्किल से वो रास्ता क्रॉस करता है और आगे दोनों भी सोलर फार्म में चले जाते हैं जहाँ पे दोनों भी सुंदर सनराइज देखते हैं। इसी दरमियान आइरीन नोटिस करती है कि विंसेंट की आंखों का कलर अलग है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस को ऑफिस में एक पेपर कप मिलता है जहाँ पे विंसेंट की सलाइवा थी और उन्हें श्योर हो जाता है कि विंसेंट जो यहाँ पे जेनेटर का काम करता था वो अभी गैटेका में काम कर रहा है। इसलिए पुलिस हर एक एम्प्लॉय का ब्लड लेने का सोचते है। विंसेंट जब अपनी टेस्ट देने के लिए जाता है तब उसने जेरेमी के खून की एक शीशी ली, उसका ब्लड वायल में डालने के बाद वो जानबूझ के दर्द के मारे जोर से चीखता है और चुपके से अपने ब्लड की शीशी जेरेमी के ब्लड से चेंज कर देता है और वो टेस्ट में पास हो जाता है। अब ये देखते हुए पुलिस वापस एक दूसरी एम्प्लॉय की टेस्ट कंडक्ट करने का सोचती है लेकिन विंसेंट के जो बॉस रहते हैं वो मना कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ था और दो दिन के बाद इनकी टाइटन का मिशन लॉन्च होने वाला था। अब रात में आइरीन और विंसेंट वापस डेट पे जाते हैं, वो दोनों भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हो ही रहे थे तभी वहां पे वही पुलिस आती
आई है विंसेंट को पकड़ने के लिए। ये देखते हुए विंसेंट और आइरीन बैक गेट से भागते हैं, लेकिन वहां पर भी पुलिस थी, लेकिन उसे मारते हुए विंसेंट और आइरीन वहां से भाग जाते हैं। जहां पे आइरीन उसे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, वो उसे बताने ही वाला था लेकिन उसे वो चुप कराती है और दोनों भी इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन विंसेंट की आंख आइरीन के घर पे खुलती है। वो काफी चौंक जाता है क्योंकि यहाँ पे उसके बाल या डीएनए के सैंपल वो छोड़ सकता था, इसीलिए सामने की समुन्द्र में जाके वो खुद को क्लीन करके डेड स्किन निकालता है। तो यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जेरेमी और विंसेंट इन दोनों की फोटो कंपेयर करता है और वो समझ जाता है कि जेरेमी ही विंसेंट है और उसने खून किया हो या ना हो, लेकिन वो गलत आइडेंटिटी के साथ रह रहा है, बस उसे एक प्रूफ चाहिए था, इसीलिए वो विंसेंट के डेस्क पे जाके तहकीकात करने लगता है। अब आइरीन दूर से ये देखती है और विंसेंट जो नीचे गया था उसे बताने जाती है, लेकिन तभी पुलिस आइरीन को रोकते हुए उसे जबरदस्ती विंसेंट के घर लेके जाने के लिए कहती है। अब विंसेंट जो नीचे था वो ये सब देख लेता है और वो पुलिस पहुंचने के पहले ही जेरेमी को कॉल करता है और उसे पुलिस आने का बताता है। इसीलिए जेरेमी सारी चीजें ठीक करके वैसा ही रहता है जैसे विंसेंट ऑफिस में रहा करता था, हालांकि दोनों की शक्ल में थोड़ा डिफरेंस था। अब आइरीन और पुलिस वहां पे आ जाती है और आइरीन पहली बार रियल जेरेमी को देखती है, लेकिन वो चुप रहती है और उसे ही अपना बॉयफ्रेंड बताती है। अब वो ऑफिसर उसके ब्लड सैंपल लेता है और टेस्ट करता है तो उसकी आइडेंटिटी विंसेंट ही रिवील होती है। अब पुलिस घर चेक करने के लिए जाने ही वाला था लेकिन तभी उसे कॉल आता है और पता लगता है कि रियल मर्डरर पकड़ा गया है, इसीलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन आइरीन विंसेंट पर गुस्सा होती है कि उसने अब तक उससे झूठ कहा। इसी दौरान रिवील होता है कि जो मर्डर हुआ था वो जेरेमी के बॉस ने ही किया था, क्योंकि वो मरने वाला मैनेजर टाइटन के फ्लाइट को कैंसिल करने के पीछे था और ये फ्लाइट 70 सालों में एक बार जाती है, इसीलिए जेरेमी का बॉस नहीं चाहता था कि ये मैनेजर कुछ भी गलत चीज करे, इसीलिए उसने गुस्से में उसे मार दिया था। अब केस तो सॉल्व हुआ था लेकिन जो पुलिस ऑफिसर था उसे अभी भी विंसेंट पे शक था, इसीलिए एक दिन रात में वो विंसेंट का डेस्क जाके चेक कर रहा था और तभी पीछे से विंसेंट आता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि क्या सच में तुमने मुझे नहीं पहचाना, तो विंसेंट कहता है नहीं। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई एंटोन हूँ। ये देख के विंसेंट भी हैरान होता है। एंटोन काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बताता है कि हमारे पेरेंट्स गिल्ट में मर गए यही सोच के कि तुम मर गए हो। लेकिन यहाँ पे एंटोन अपने भाई के लिए अच्छा सोचने के बजाय वो उसे कहता है कि तुम खुद को पुलिस के हवाले कर दो क्योंकि तुमने कानून तोड़ा है और दूसरे की आइडेंटिटी लेके फर्स्ट क्लास सिटीजन बन गए हो। लेकिन विंसेंट गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम बस मुझे फेल होते हुए ही देखना चाहते हो, है ना, क्योंकि आज मैं तुमसे भी बेहतर लाइफ जी रहा हूँ, एक प्रेस्टीजियस लाइफ है मेरी, मैंने ये सब कुछ अपने मेरिट्स पे किया है, अपने दम पे किया है, किसी डीएनए मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है मुझे। अब ये सुन के एंटोन को गुस्सा आता है तो एंटोन कहता है कि ठीक है, तुम अगर इतना ही खुद को स्ट्रांग समझते हो तो क्यों ना वापस हम दोनों स्विमिंग का एक चैलेंज करते हैं। तो विंसेंट कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरा पीछा छोड़ना होगा, और एंटोन तैयार हो जाता है और दोनों भी वापस स्विम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एंटोन वापस थक जाता है और विंसेंट आगे ही चला जा रहा था। ये देखते हुए एंटोन उसे पूछता है कि तुम तो कब का मरने वाले थे, तो तुम जिंदगी में इतने सफल कैसे बने। तो विंसेंट जवाब देता है कि आज मैं कामयाब हूँ क्योंकि मैंने कभी भी खुद पर या अपने काबिलियत पर शक नहीं किया था, और इसीलिए खुद ब खुद मुझे रास्ते मिलते गए। किसी साइंटिस्ट ने दिए हुए पेपर पर मैंने भरोसा नहीं किया, मैं बस अपनी परीक्षा लड़ता गया और इसी से आज मैं कामयाब हूँ। अब ये लोग स्विम करते हुए जा ही रहे थे तभी एंटोन वापस बेहोश हो जाता है और विंसेंट उसे बचाते हुए किनारे पर लेके आता है। विंसेंट जीत गया था इसीलिए एंटोन उसका पीछा छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब विंसेंट आइरीन को ढूंढता है और उसे फाइनल गुड बाय कहता है और उससे माफी मांगता है और उसे अपना रियल हेयर देता है ताकि उसे विंसेंट कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है वो पता चलेगा, लेकिन वो हंसते हुए मना करती है। तो आखिरी में विंसेंट जेरेमी से मिलने के लिए जाता है तो जेरेमी उसे कहता है कि तुम जैसे टाइटन पे जा रहे हो वैसे ही मैं भी किसी एक ट्रिप पे जा रहा हूँ, और वो काफी सारे ब्लड सैंपल्स विंसेंट के लिए छोड़ जाता है। जेरेमी विंसेंट को थैंक्स कहता है क्योंकि विंसेंट ने उसके साथ उसकी लाइफ शेयर की थी, उसके रूप में उसे एक अच्छा दोस्त मिला था, और वो उसे एक एनवेलप देता है। और उसके बाद विंसेंट टाइटन के लिए रवाना होता है। वो गटाका के ऑफिस में आता है जहाँ पे डॉक्टर लमार उसे एक नए पॉलिसी के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उसके अनुसार स्पेसक्राफ्ट में जाने से पहले उनका यूरिन टेस्ट होगा। अब विंसेंट को ना चाहते हुए भी खुद के सैंपल्स देने पड़ते हैं और यहाँ पे मेन प्लॉट रिवील होता है। और तभी डॉक्टर लेमार उसे कहता है कि मेरा बेटा तुमसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है क्योंकि उसे भी गटाका के लिए काम करना था। वो सुपीरियर होने के बावजूद वो टेस्ट में रिजेक्ट हुआ,
शायद वो तुम्हारी तरह ही एक दिन यहाँ पे काम करेगा। और हंसते हुए डॉक्टर उसे कहते हैं कि मुझे पहले दिन से पता था कि तुम्हारी आइडेंटिटी फेक है, लेकिन अपने बेटे जैसा ही तुम्हें अपना सपना पूरा करते हुए देख मैं चुप रहा। और डॉक्टर लेमार फिर इनवैलिड रिजल्ट को वैलिड कर देते हैं, जिसके चलते विंसेंट स्पेसक्राफ्ट में चला जाता है। वहां जाने के बाद जेरेमी का लेटर वो पढ़ता है। उस लेटर में उसने लिखा हुआ था कि मैं सुपीरियर होने के बावजूद अपने जिंदगी से परेशान हूँ। भले साइंस ने हमारी जिंदगी को खुशहाल और लंबा कर दिया है, लेकिन इस जिंदगी में कुछ तो कमी है, इसीलिए मैं दूर जा रहा हूँ। ऐसी कहावत है कि हमारे शरीर का हर एक एटम कभी आसमान का सितारा हुआ करता था, इसीलिए मैं इस जीवन को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, शायद मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वही दूसरी जगह जेरेमी खुदकुशी करता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, हमने जो मूवी में फ्यूचर देखा वो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि 2020 में ही दो डॉक्टर को नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि उन्होंने डीएनए एडिटिंग का टूल बनाया है। उन डॉक्टर्स का नाम है इमैनुएल शापोंटी और जेनिफर डॉटनाम। हालांकि इसके पहले चाइना के एक डॉक्टर ने दो बेबीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके जन्म दिया था, यानी इसके चलते आज से 100 साल के बाद अगर ऐसी सोसाइटी हो तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में बताइए। बाय।